वेलकम टू ईशानी वीडियोस। वैसे आपको बताने वाले हैं मौनी रॉय के आने वाले एक नए शो के बारे में। नया शो हम बोले या फिर पुराना शो बोले, मौनी रॉय सिर्फ गेस्ट के रूप में नजर आने वाली है। अब वो किस वजह से नजर आने वाली है आपको पता ही होगा। मौनी रॉय की नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है, जो कि कल ही रिलीज हो जाएगी, और वो है रोमियो अकबर वॉल्टर। अगर आप देखना चाहते हैं तो टिकट बुक कर दीजिए, जाइए देख लीजिए। और वैसे आपको बता दें, यहाँ पर मौनी रॉय नजर आएंगी द कपिल शर्मा शो में, और उसके बाद में यहाँ पर द वॉइस के एक और शो में। वैसे आपको बता दें, मौनी रॉय यहाँ पर नजर आने वाली है द शो में, द वॉइस में तो ये नजर आएंगी नॉर्मल लुक में, लेकिन उसके बाद में आपको बता दें मौनी रॉय द कपिल शर्मा शो में नजर आने वाली हैं, लेकिन उनके हाथों में चोट लगी हुई है। उसका आपको पता ही होगा, उसके बारे में हमने आपको न्यूज भी दी थी कि मौनी रॉय को कहां चोट लग गई, किस वजह से लगी है। वो यहां पर डांस परफॉर्मेंस करते हुए हल्का सा फिसलने की वजह से उनके हाथों में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था, और उनके हाथों में यहां पर स्टिचेस भी लग गए हैं। तो थोड़ा रिकवर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन यहां पर मौनी रॉय नजर आने वाली है। अब प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस में यहां पर काफी ज्यादा बिजी होना होता है और काफी ज्यादा यहां पर स्ट्रगल करनी पड़ती है, आना जाना लगातार नए शो में प्रमोशन करना, क्योंकि मूवी ऐसी है। और जॉन अब्राहम भी नजर आने वाले हैं कपिल शर्मा शो में, तो आप देखना मत भूलिएगा। कल और परसों आपको देखने को मिल सकती है मौनी रॉय, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा काफी बेहतरीन शो, जो कि आपको कपिल शर्मा शो के साथ देखते हो आपको पहले भी मिलता था, और अभी भी उतना ही मजा आएगा। तो हंसी मजाक के साथ साथ मौनी रॉय से कई सारे सवाल भी पूछे जाएंगे, जो कि हो सकता है आपके मन भी उनके रिलेटेड सवाल हो, तो आप जाके वहां पर वो शो देखिए, आपको पता चल जाएंगे। और कितने ज्यादा एक्साइटेड है मौनी रॉय की नई मूवी देखने के लिए, और यहां पर मौनी रॉय को इस शो में देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक के बिना कहीं मत जाना। अगर लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।